इस ज़माने की तरक्की को देखकर मुझे खुद पर शक होता है। मैं यकीन नहीं कर पाता कि यह ज़माना किस तरह से आगे बढ़ रहा है। इस ज़माने की तरक्की की बुलंदियों को देखकर मेरे दिल से गुबार सा निकलता है और मुझे लगता है और मैं सोचता हूँ, महफूज करता हूँ, महसूस करता हूँ कि शायद मैं भी कुछ इस बढ़ती ज़माने में, इस रफ्तार ज़माने में कुछ कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं किसी दूसरों के जीवन में रोशनी ला सकता हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नमस्कार। और इस वीडियो को देखने वाले, मुझे लगता है कि वैसे सभी लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, जो हमसे परिचित हैं और मैं भी उनसे, पर ऐसा भी हो सकता है, मेरा मानना है कि इस वीडियो को वैसे भी लोग देखें जो हमको पहली बार, और वो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप यदि पहली बार हैं तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप रुकें और हमें देखने की कोशिश करें। और इस देखने की सिलसिला में, देखने दिखाने की सिलसिला में, आप बढ़िया से, काफ़ी अच्छा से मुझसे परिचित हो जाएंगे और मैं भी आपसे। और जो वीडियो देखने वाले हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, मेरे नौजवान साथी हो, आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आपको तो पता है ही, और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अंग्रेज़ी बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं एक छोटे से कस्बे से, और विशेष डीप में ना जाते हुए, क्योंकि बहुत सारे, पर यहाँ पे ये इंट्रो क्लास इसलिए मैंने ऑर्गेनाइज़ किया ना, कि आज मैं बताना चाह रहा हूँ ना कि 2024 जो हमारा नया साल आने वाला है, तो कुछ नया धमाका हमारे द्वारा, ये बहुत दिनों से हमने प्लान करी हुई थी इसकी, कि हम कुछ नया करें, तो बहुत सोचने समझने के बाद मुझे लगता है कि इस पहलू पे मुझे काम करना चाहिए। तो मैं खासकर अंग्रेज़ी ही पढ़ाऊँगा, पर अब जो अंग्रेज़ी इंग्लिश स्पोकन में पढ़ाता था ना, अब इंग्लिश स्पोकन तो आप कंटिन्यूस देखते ही रहेंगे, आपको वीडियो देखने को मिलेगा। ऐसा आपको लगता होगा कि हम बड़े भारी भरकम यूट्यूबर की तरह बात कर रहे हैं, अरे हम बड़े ही समझ रहे हैं, सह लोग देख रहे हैं ना, भले ही हमारी व्यूज मिलियंस में, बिलियंस में नहीं है, पर वो सह लोग ही देख रहे हैं ना, हमको लगता है वो मिलियन बिलियन है मेरे लिए। और इस वीडियो को हम उस तरह से भी डिज़ाइन कर रहे हैं कि आने वाले अपने हम ऑफलाइन संस्था में जो है इसको चला सकें, हम एक साथ 4 क्लासेज मैनेज करें, यह भी हमारा प्लान है। इस वीडियो शूट करने का मेरा मोटो यह भी है। और जो ये 150 लोग जो देख रहे हैं, आपका इसी तरह स्नेह और प्यार रहा, तो क्या पता कभी मिलियन में चला जाए, बिलियन में भी चला जाए, मिलियन बिलियन देने वाले आप ही सब हैं। तो मैं उसको क्या बोलते हैं, उसको ध्यान में ना रखते हुए आगे काम करता हूँ और निरंतर वीडियो बनाने की यह सिलसिला, मुझे लगता है कि इससे मैं सीख रहा हूँ। ये जो कैमरा पे जो बातें कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि आपको देख के बातें करना जो है, ये बातें करने की कला जो है हम सीख रहे हैं, क्या पता अच्छे। और हमको लगता है कि किसी की भी शुरुआत, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप, 1000 मीलों की यात्रा भी जो है एक सिंगल स्टेप से होता है, तो क्या पता ये हमारा सिंगल स्टेप हो, पहला स्टेप हो। तो हमने काफ़ी एनालिसिस करने के बाद, बहुत सारे शिक्षकों को पढ़ने के बाद, ऐसा नहीं कहा मैंने, बहुत सारे शिक्षकों से सीखने के बाद हम यहाँ आए हैं इस प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे। ऐसे तो बहुत पहले से हैं, पर इस पे अब कोशिश हमारा यह है कि हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएं, मतलब कि इंग्लिश ओवरऑल, इंग्लिश बढ़िया से सीखें, इस पे हमारी पूरी कोशिश। हाँ, आप एग्ज़ाम, किसी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, वो जो भी एग्ज़ाम हो आपका, एयरफोर्स, नेवी या इंटरमीडिएट, मतलब एकेडमिक से लेकर अपर तक। अच्छा, वीडियो देखने से पहले हम क्लियर कर दें कि इस वीडियो को कौन से आदमी को ज़्यादा देखना चाहिए, तो हम बताते हैं ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। इस वीडियो को 5 वर्ष से लेकर, 5 साल के बच्चों से लेकर 80 साल के आदमी भी इस वीडियो को देखे ना, हमको लगता है कि वह भी कुछ सीख के जाएंगे और 5 साल वाले बच्चे भी सीखेंगे। इसमें हम किसी एग्ज़ाम की बात नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी एग्जामिनेशन, हम किसी एग्जामिनेशन की बात नहीं करेंगे। हाँ, पर आप इंग्लिश बढ़िया से सीखेंगे, उसके अंदर यदि जो भी एग्जामिनेशन आ जाए, हमको लगता है कि आप हिट कर देंगे उस एग्ज़ाम को, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इंग्लिश हम सीखने और सिखाने की बात करेंगे इसमें, यही मोटो है हमारा इस नए साल में। और नए साल में हम वीडियो को कंटिन्यूस, और कल के क्लास में, आप धमाकेदार क्लास में, विनय सर के क्लास से आपको पता चला होगा कि मैथमेटिक्स बच्चों के लिए, तो वो सारी ज़रूरी चीज़ें तो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। और स्पोकन के लिए जो है ना, जो हमारे बच्चे, तूफ़ानी बच्चे जो करते हैं, करामात जो दिखाते हैं, वो विनय कुमार मिश्रा नाम से जो फेसबुक पेज है,
आप उसको देखते ही हैं हमको लगता है, तो आप उस पर कंटिन्यूस बने रहें, स्पोकन का तड़का उस पर मिलते रहेगा। यहाँ हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर को इंग्लिश सीखने का अप्रोच हमारा कैसे है, ये पूरी कोशिश करेंगे इस पर। तो आज की इस क्लास में हम बात कहाँ से शुरू करें, हम बात शुरू करते हैं, हमारे सामने कुछ बैठे हुए बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हुए हैं, और ये जो आप ऑफलाइन देख रहे हैं टोपी पहनकर, अच्छा अच्छा चश्मा पहन के भी कुछ लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप सभी लोग एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठे, हो सकता है कि कहीं अच्छा चीज़ कोई ऐसी बातें हम बताएं। और ये फर्स्ट 10 डेज, ये पूरा पहला 10वां दिन जो है 10 दिन तक, आज से लेकर 10 दिन तक हम कुछ भी पढ़ाने वाले नहीं हैं। आपको ऐसे ब्रश करना चाहते हैं ना कि आप चमकें, आपकी रॉयलिटी जो है, तो ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी क्या बोलते हैं पॉइंट पे बात करेंगे ना, आपको लगेगा कि हमने तो पढ़ा था, हम तो जानते थे, पर उसको किसी ने पढ़ाया नहीं है। हम वैसे फैक्टर पे बात करेंगे आज से पूरे, हमने क्या बताया फर्स्ट 10 डेज हम उस पर बात करेंगे। वीडियो देखने वाले 5 साल से लेकर 80 साल तक के, यदि वो हमारे रिश्ते में दादाजी नाना जी क्या क्या नहीं लगे, बाबा जी, वो सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, और अपना स्नेह प्यार जरूर सीखने की सीमा, हमको लगता है सीखने की सीमा, बहुत सारे लोग बाहर जाने के बाद हमको यह भी देखने को मिला है कि बड़े बड़े लोग सीखते हैं, तो ऐसे हमने कहा। यदि आप हाउसवाइफ हैं, आप चाह रही हैं कि आप सीखें, तो ज़रूर देखें इस वीडियो को। आपको मिला होगा ना आपके गांव में टीचर जो है, आपको गांव में ऐसा टीचर मिल रहा है लो जो आपके बच्चों को पढ़ा रहा है, हमको लगता है कि आप इस वीडियो को देखें ना तो आपको भी इंग्लिश सीखने का मन करने लगेगा। और हमने बताया कि अंग्रेज को इग्नोर कर सकते हैं पर अंग्रेजी को नहीं। तो आइए दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए 10 दिन तक हम फर्स्ट 10 डेज हमने बताया कि आपको ब्रशअप करने की कोशिश करेंगे, आपको चमकाने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ी सी हम पानी पी लेते हैं, पानी आप पियेंगे? नहीं कोई बात नहीं, हम पानी पी लेते हैं, उसके बाद क्लास सिलसिला शुरू करते हैं। तो कैसे हैं बच्चे आप लोग? आप लोग बताइए कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अरे ऐसा आंख बड़ा बड़ा करके डराइए नहीं हमको कि हम कैमरा के, हम फील करना चाह रहे हैं और एक नौटंकी करना है आपसे, हम बता रहे हैं ये कैमरा ये वीडियो देखने वाले जो लोग हैं ना, आपको फील करना है, जस्ट फील दैम वट एवर आई एम गोइंग टू आस्क यू हैव टू रिपीट विद मी। इंग्लिश कैसे सीखने वाले हैं ना, इस प्रोसेस पे क्या क्या करने वाले हैं, थोड़ी सी नौटंकी करनी है आपको मेरे साथ। आप नौटंकी करेंगे तो हम बता रहे हैं, जस्ट फील दैम आई एम आस्किंग यू, आपको यही महसूस करना कि जो भी हम बोल रहे हैं आपसे बात कर रहे हैं। और धीरे 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 हम ऐसे अटैच होते चले जाएंगे, ऐसे कनेक्ट होते चले जाएंगे कि आपको महसूस होगा कि आप मुझे इस वीडियो में नहीं, आप अपने सामने, मतलब ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं। ऐसी कोशिश हमारी, ऐसी पूरी कोशिश हमारी रहेगी। तो आइए बच्चे कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? अच्छा, तो आज की इस क्लास में हम इंग्लिश सीखने के इस सफ़र में सबसे पहले हम कुछ कोशिश करते हैं, जैसे ऐसे यदि हम बोलेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है, या अभी हम बात करते हैं जी, यह आप हैं, कौन है, यह एक पर्सन है जो है आई। इंसान सबसे पहले अपनी बात करता है, इसको क्या बोलेंगे, आई। जो सामने है जिसको उंगली करते हैं, जिसको क्या करते हैं, उंगली करते हैं, वह होता है यू। समझ लीजिए यह जो है अच्छी अच्छी आँख, यह हो गया यू। हम क्या है मेरे साथ रिपीट करना, आई क्या, यू। ऐसे करेंगे तो, ऐसे करेंगे तो यू। अच्छा, अब क्या है कि हमारे लेफ्ट साइड में कोई गुड़िया है, कोई लड़की है, जो कौन है, इसके लिए क्या यूज करेंगे, सी। क्या यूज करेंगे, सी। अच्छा, राइट साइड में जो है हम यहाँ पे रख देते हैं एक बच्चा है, इसके लिए क्या यूज करेंगे, ही। क्या यूज करेंगे, हम उसका उसकी ये सब सिखाई नहीं रहे हैं। आई का मतलब मैं नहीं होता, आई का मतलब मैं नहीं, आई का मतलब आई, आई का मतलब आई, यू का मतलब यू, आई का मतलब आई, बात समझ रहे हैं। अच्छा, एक लेफ्ट साइड में एक लड़की है और राइट साइड में एक बच्चा है, और जो उंगली करते हैं किसी को हम आगे, वह यू होता है, और ये सब जो मिल जाता है प्रियांशु, ये जो सब मिल जाता है, सब मिल जाने वाले को क्या कहते हैं, वी। सब मिल जाने वाले को क्या कहते हैं, आई यू सी ही वी वी, बात समझ रहे हैं। अच्छा, अब आई यू सी ही के बहुत सारे फॉलोअर भी होते हैं, उनके लिए हम ऐसे इशारा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके लिए ऐसे इशारा कर रहे हैं, हम उनके लिए एक यूज कर रहे हैं दे, क्या यूज कर रहे हैं, तो चलिए मेरे साथ एक बार इस खेल को खेलना है, ठीक है, मेरे साथ इस खेल को खेलना है। आई यू सी ई वी
हम लोग वी और दे, मतलब ऐसे करें तो आई, ऐसे करें तो यू, ऐसे करें तो और ऐसे करें तो वी और ऐसे करें तो दे। आ रहा है प्रोसेस समझ में? तो देखिए, अच्छा ऑनलाइन ऑनलाइन आप बताओ, बाबू आप बताओ, आप बताओ 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 बताओ। अच्छा चलो ठीक, बहुत अच्छा आई, अच्छा इसको आई बोलते हैं, इसको ओ हो यू, यू इसको ही नहीं सी, इसको अच्छा वेरी नाइस, बहुत सुंदर जवाब दे रहा है ये जो बच्चा देख रहा है ना रजाई में। हाँ बाहर निकलो बाहर, हमने बताया नहीं है कि हम नौटंकी करेंगे। और लैंग्वेज टीचर को कैसे होना चाहिए, हमको लगता है कि हम को पता है और आपसे बहुत कुछ सीखने आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए देखिए, हमने आपको यह सिखाया अभी कुछ वर्ड आई यू, ये सिखाने का मेरा मेन मोटो यह है ना कि इंग्लिश में जब आप जाएंगे ना, इंग्लिश की सिलसिला जैसे ही शुरू करेंगे तो यहाँ से जो है सफ़र हम लोग का शुरू होगा। ये हम लोग जान गए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। अच्छा अब जितने भी हम जानते हैं याद रखिएगा, ये जितने भी हमने जाना आई यू दे वी, ठीक है अच्छा, उसके बाद जाना हमने ही सी, और सिंगल कोई नाम है, सिंगल कोई नाम है हमने बताया। ध्यान रखिएगा फर्स्ट 10 डेज हम पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, किसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की बात नहीं करेंगे, सब्जेक्ट पे तो हमारी पूरी क्लासेज समाप्त हो जाएंगी। हमने बताया ना कि कोई एग्जाम टारगेट नहीं कर रहा है, हम इंग्लिश सिखाने को टारगेट कर रहे हैं कि इंग्लिश सीखे कैसे हम सब, ठीक है। वीडियो लंबा भी होगा तो चलेगा, क्योंकि ये स्पोकन वाला वीडियो नहीं है, एक ग्रामर, तो इसमें हम लोग कुछ भी स्किप करने वाले नहीं हैं। इस प्रोसेस को आप फॉलो करते जाएं, हो सकता है कि आप इस वीडियो को आज ना देखें, नहीं आने वाले कल में हमको लगता है कि इतना वैल्यू देगा यह वीडियो, इतना वैल्यूएबल वीडियो कंटेंट रहेगा हमारे द्वारा, हो सकता है कि ये स्मार्ट पैनल नहीं है, हो क्या सकता है, ही स्मार्ट पैनल नहीं है, पर यदि कंटेंट में दम है तो हमको लगता है इस व्हाइट बोर्ड से आपको लगेगा कि बहुत शानदार चीज़, बहुत शानदार चीज़ आप सीख रहे हैं। बस इस यात्रा में जो है आपको कदम से कदम मिला कर चलना है। ये जो दिखाई दे रहा है ना आई वी यू दे, ये सभी होते हैं प्लुरल, क्या होते हैं प्लुरल, हम सिंगुलर और प्लुरल की बात नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा सा चाह रहे हैं ना कि इंग्लिश को सीखने का जो प्रोसेस है हम सबका, वो कैसे स्टार्ट करें, कैसे क्या करें स्टार्ट करें। अब आप कहेंगे कि नहीं सर आई सिंगुलर में होता है, आप निश्चिंत रहें, फर्स्ट 10 डेज हम पढ़ा नहीं रहे, हम जो बता रहे हैं आप उसको फॉलो करें, आप उसको करें। इसको प्लुरल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं प्लुरल बोलते हैं। ये जो होते हैं हमारे सिंगुलर होते हैं, क्या होते हैं सिंगुलर होते हैं, ये क्या होते हैं सिंगुलर होते हैं। अच्छा अब ध्यान रखना है, ये जो सब्जेक्ट होता है ना, ठीक है, इंग्लिश में मिलता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब क्या मिलता है, उसके बाद आपको क्या मिलता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम लोग यहीं सुनते आए हैं। हिंदी में जानते हैं क्या होता है, हिंदी में सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है। तो हम लोग गलती कहाँ करते हैं जानते हैं प्रियांशु, गलती कहाँ करते हैं हम लोग कि इंग्लिश से हिंदी सीखने की कोशिश करते हैं। आपसे भी कह रहे हैं, आपसे प्रियांशु आपका भी नाम हो सकता है किसी का, उसमें जो है ना हम लोग कोशिश करते हैं कि अंग्रेजी, हिंदी से अंग्रेजी को सीखने की कोशिश करते हैं, और ये हमको लगता है कि सबसे मिसिंग पार्ट होता है बच्चों का, सबसे मिसिंग पार्ट होता है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए आपको हम बताते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पे, हम तो लिख सकते हैं राम आम खाता है, राम आम खाता है, यहाँ पे लिखा हमने राम खाता आम है, ठीक है, बात समझ रहे हैं, हमने लिखा राम आम खाता है, हमारा हिंदी तो यह सही है ना कि हिंदी यह सही है, ऐसे लिखा जाएगा ना। तो आप देखिए ये सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, पर ये क्या हुआ वर्ब हुआ, क्या ऐसे होता है क्या सेंटेंस, ऐसे होता है ना कि राम आम खाता है, लेकिन ऐसे होता है क्या राम खाता आम है, राम खाता आम है, ऐसे नहीं ना होता है। यानी यदि इंग्लिश में बनाते हैं तो हम क्या लिखेंगे राम एट्स मैंगो, क्या करते हैं राम एट्स मैंगो, सेंटेंस सही है गलत, सही है गलत, प्रियांशु सही है गलत, आप बताइए सही है गलत, नहीं सही नहीं है, सही नहीं, पूछिए क्यों। जब भी हम इंग्लिश सेंटेंस बनाते हैं, इंग्लिश सेंटेंस बनाते हैं तो कभी भी किसी भी नाउन को लाते समय हम एक अलंकार उसके पहले लाते हैं, क्या लाते हैं अलंकार लाते हैं। आपसे भी पूछ रहे हैं आपसे, अब ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि आर्टिकल भी सिखा देंगे क्या सर एक ही क्लास में, नो सर आर्टिकल की बात हम नहीं करेंगे बिल्कुल, पर कुछ नियम कानून होते हैं इंग्लिश के, बात समझ रहे हैं, ये हमारा डेमो क्लास समझ सकते हैं आप, इसको फर्स्ट 10 डेज हम कुछ पढ़ाने वाले ही नहीं हैं,
यहाँ पे हमको एक आर्टिकल लेकर आने की ज़रूरत है। हम आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दें, कोई भी काउंटेबल नाउन यदि आता है तो अपने पहले आर्टिकल लेकर आता है। अब कुछ वीर योद्धा ऐसे जजमेंट देंगे यहाँ पे कि बहुत सारे काउंटेबल नाउन हम मानते हैं भाइयों बहनों, एक्सेप्शन आर एवरी डेयर। अब बात सभी जगह पे हो सकते हैं, पर पहला दिन है, दूसरा दिन आखिरी दिन नहीं है, पहला दिन दूसरा दिन आखिरी दिन नहीं है। आखिरी दिन जब हम बोलेंगे इंग्लिश समाप्त, तब आप जज करें, तब आप जज करेंगे कि कैसा है। चलिए आपसे बात करना है प्यार से, गुस्सा से हम नहीं, पानी थोड़ा सा पी लेते हैं, प्यास बहुत लगता है हमको, अभी पियेंगे नहीं कोई बात, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो जब भी इंग्लिश सेंटेंस बनाते हैं, समझे मुन्ना भाई, इंग्लिश सेंटेंस जब भी बनाएंगे तो इस नाउन से पहले कोई भी काउंटेबल नाउन मिलेगा तो उसके पहले हम आर्टिकल लेकर आएंगे। हम आर्टिकल की आज चर्चा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। आज हम चर्चा क्या करने वाले हैं, देखिए आज की इस क्लास में हम चर्चा यह करने वाले हैं ना कि हिंदी से इंग्लिश को अप्रोच नहीं करना। अंग्रेजी सीखते समय हम लोग को हिंदी अप्रोच नहीं करना है, और हमने बताया कि वी लव हिंदी, हिंदी से हम प्यार करते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, पर इंग्लिश को वी कांट इग्नोर, हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, सीख लेंगे, नहीं यूज करेंगे, इंग्लिश कल्चर को नहीं अडॉप्ट करेंगे, बात समझ रहे हैं, पर अंग्रेजी बोलना तो सीखेंगे, ताकि अंग्रेजी बोलना जब सीखेंगे तो हमारे इस देश को क्या बोलते हैं, खोखला बनाने वाले, गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों के साथ हम उनकी भाषा में पलटवार करेंगे, उनसे वार करेंगे, बात समझ रहे हैं, इसलिए अंग्रेजी सीखना। और ये अच्छा एक फ़ायदा भी है कि हम उनकी अंग्रेजी को तोड़ मरोड़ कर सीखेंगे, वो जैसे बोलते थे वैसे नहीं, हम लोग कुछ और बिगाड़ कर सीखेंगे, बात समझ रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये वीडियो देखने वाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम आपसे ज़रूर प्रॉमिस कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे रिसर्च के बाद हम इस वीडियो को डिज़ाइन कर रहे हैं, और आने वाले कल में इस वीडियो को देखा जाएगा, हमको लगता है ऐसा, और हम इस हो सकता है कि हमारे पास अभी बहुत सारा क्या बोलते हैं, बहुत सारा इक्विपमेंट नहीं है जो पढ़ने और पढ़ाने के सिलसिला में चाहिए, पर धीरे 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 आपका साथ रहा, हम बहुत चीज़ करने वाले हैं, बहुत चीज़ करने वाले हैं। चलिए लंबा प्रवचन नहीं हो, तो आप समझ रहे हैं कि इंग्लिश या हिंदी को हम लोग को नहीं करना है। हिंदी में पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब नहीं आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, जिसे राम आम खाता है आपने देखा, पर इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में इसको बनाएंगे तो राम इट्स अ मैंगो। अभी टेंशन्स की कुछ की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपने देखा कि सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, तो यानी ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं ना, ही सी आई जो हमने आपको दिखाया कुछ वर्ड, ये सभी सब्जेक्ट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट कहलाते हैं। और बेचैन नहीं होना है, ये सभी सब्जेक्ट, कहिएगा कि सर सब्जेक्ट हो गया क्या, नहीं सर, सब्जेक्ट की क्लास पूरे 3 घंटा की क्लास करेंगे हम आने वाले, जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्लास में हम लोग पूरे चर्चा करने वाले हैं बढ़िया से कि सब्जेक्ट क्या है, क्या मतलब आप जानिए, अभी यह जानिए ना, यह सोच कर मना रहे हैं कि यह वीडियो देखने वाले 80 साल के कोई बाबा जी ऐसे हैं जो पहली बार इंग्लिश को देख रहे हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए हम इस कोशिश को कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये सब्जेक्ट है, क्या बोलते हैं, अच्छा इंग्लिश में जब सब्जेक्ट होगा तो याद रखिएगा उसके द्वारा कुछ ना कुछ एक्शन किया जाएगा, क्या किया जाएगा, एक्शन किया जाएगा, एक्शन को जो किया जाता है हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ब। आपसे पूछ रहे हैं आपसे क्या बोलते हैं छोटू, अच्छा वर्ब बोलते हैं, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, क्या आता है, ऑब्जेक्ट। चलिए तो हम बताते हैं, हम इशारा करेंगे तो आप बताइएगा, ठीक है, वेरी नाइस, बहुत सुंदर, आप भी बता रहे हैं ना, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं तो आप बताइए। तो अब सुनिए क्या करते हैं हम लोग, हमने बताया इनको प्लूरल, हमने बताया इनको सिंगुलर, इनको सिंगुलर बताया, और हमने इसको क्या बताया, अब याद रखिएगा ये कहानी है, जानते हैं क्या है प्रियंशु, कहानी एक यह है यहाँ पे कि सब्जेक्ट जो होता है ना, सब्जेक्ट जो होता है आजीवन होता है सिंगुलर, आजीवन क्या होता है, सॉरी गलती तो नहीं जा रहा है ना, अच्छा यदि हम मिस्टेक भी करें ना तो ये वीडियो समझना है कि थोड़ा सा आप डरा रहे हैं हमें, ये जो क्राउड है पीछे जो बैठा हुआ बच्चा है हजारों के भीड़ में, वो थोड़ा सा हमको डरा रहा है, तो ऐसा मिस्टेक हम कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है आजीवन होता है सिंगुलर, कैसा होता है सिंगुलर, और उसको हम बनाते हैं प्लूरल एस या ई एस या नाउन प्लस एंड प्लस नाउन लगाकर, ठीक है, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं पेन, क्या करते हैं पेन, अब हम इसको बनाते हैं पेंस, क्या बनाते हैं पेंस, हमने कहा बॉय तो अब जो है ना बॉय सिंगुलर है कि नहीं है, सिंगुलर है ना, अब हमने कर दिया बॉयज, क्या कर दिया, बॉयज कर दिया,
तो अब ध्यान देना है, इसमें आपको हमने बताया कि सब्जेक्ट हमेशा होते हैं सिंगुलर, और इसको प्लुरल बनाने के लिए सी एस और विशेष जब चर्चा करेंगे तो उसमें सारी बात करेंगे। एक प्रकार से डेमो के लिए जो है हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा वैसे सभी लोग को समझ में आ जाए ये वीडियो ना, कि जो पहली बार भी इंग्लिश देख रहे हैं, और हमारा मोटो है कि हम इंग्लिश में एक सुंदर क्रांति लेकर आएँ, और इस इंग्लिश सीखने के सफ़र में मेरे साथ चलने वाले जो भी साथ बने रहें, तो आने वाले कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कोई जादुई छड़ी नहीं है कि दो दिन तीन घंटे चार घंटे तीन महीने चार महीने में अंग्रेजी बोलना धारा परवा। माय डियर फ्रेंड, ऐसी कोई जादुई छड़ी हमारे पास नहीं है। इट विल टेक सम टाइम बट डेफिनेटली विल गेट बेटर रिजल्ट, डेफिनेटली विल गेट बेटर चेंजेज इन साइड अस, एंड आफ्टर सम टाइम विल सी अ मिरेकल इन साइड यू, वो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज हैपनिंग विद मी, ओ सॉरी सॉरी। तो आप देखे पा रहे हैं बच्चे यहाँ पे कि नाउ सब्जेक्ट हमारा हमेशा कैसा होता है सिंगुलर, और इसको बनाने के लिए ये कंडीशन होता है। पर भाई साहब याद रखिएगा, यही हमने जो बताया ना यहाँ पे, यह हमेशा प्लुरल होते हैं, यह हमेशा याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है भाइयों बहनों, इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट हमेशा हमने बताया कैसा होता है सिंगुलर, और वर्ब कैसा होता है, वर्ब कैसा होता है प्लुरल, समझ रहे हैं, वर्ब कैसा होता है प्लुरल। अब ध्यान दीजिएगा, इसको तो हमने बता दिया कि एस, सॉरी मार्कर चेंज कर दें, क्या मार्कर चेंज कर दें, हम बताओ मार्कर, अच्छा छोटू ठीक है चेंज कर दें, एस यस और नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, जैसे हमने कहा कि सीता, और सीता के साथ जोड़ दिया गीता, तो सीता एंड गीता, सीता एंड सीता पहले सिंगुलर थी पर उसके साथ एक गीता आ गई, तो सीता एंड गीता प्लुरल हो गई कि नहीं हो गई, एक से अधिक हो गई कि नहीं हो गई। अच्छा अब सुनिए, वर्ब जो होता है ना हमेशा क्या होता है, हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है, बात समझ रहे हैं, और उसको सिंगुलर बनाया जाता है एस या ई एस लगा कर, एस या ई एस लगा कर, तो आप देख रहे हैं ना अपोजिट हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, ये तो हमेशा प्लुरल सॉरी सिंगुलर रह रहा है, ये हमेशा कैसा प्लुरल, तो अपोजिट अपोजिट जब होगा तो लफड़ा होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा ना हो, तो अब लफड़ा जो होगा इन लोगों में, तो याद रखिएगा सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर, सब्जेक्ट कैसा है तो वर्ब भी कैसा होगा सिंगुलर होगा, नहीं तो अपोजिट हो जाएगा तो लफड़ा होगा कि नहीं होगा, वहीं पे 302 का दफा लगेगा और फांसी का सजा दे दिया जाएगा। सॉरी हम आर्टिकल की बात दफा की बात नहीं कर रहे हैं, वही 300 मतलब यहाँ पे लफड़ा हो जाएगा, अरे बात समझ में। अच्छा सब्जेक्ट यदि हमारा प्लुरल तो वर्ब भी कैसा होगा, वेरी नाइस, वर्ब भी कैसा होगा, अब बताइए आई क्या है, हमने क्या बताया, हमने अभी कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या बताया, देखिए कॉन्फिडेंस यही तो हम चाहते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएं, आप एकदम आसानी से बेहिचक बोलें कि यस है तो है, हिंदी तो हम लोग सीख लिए हैं ना, हिंदी तो हम लोग सीखे हैं, आई क्या है, हमने अभी बताया ना कि आई प्लुरल है, आई क्या है, हाँ हम आगे चर्चा करेंगे इसकी कि आई सिंगुलर की तरह भी यूज होता है कहीं कहीं, ठीक है, पर अभी हमने जो बताया आपको क्या बताया, आई को कैसे बताया प्लुरल, अब समझिए, अब वर्ब जो होता है हमारा क्या होता है, हमेशा प्लुरल होता है, हमेशा आप देखिएगा गो होता है, बात समझ रहे हैं ना, हमेशा डिक्शनरी में गो ही मिलता है, किसी भी डिक्शनरी में वेंट नहीं मिलेगा, किसी भी डिक्शनरी में गो जो नहीं मिलेगा, किसी में गोइंग नहीं मिलेगा, आप गूगल करके देख लीजिए, देखिए देखिए ओ पीछे वाला तुम देखो, गूगल करके देखो नहीं मिलेगा वेंट का मतलब, आप आपसे भी बोल रहे हैं गूगल करके देखो नहीं मिलेगा, ये सब हम लोग बनाते हैं अपने से, क्या करते हैं बनाते हैं, ये हमारा ओरिजिनल फॉर्म है, वर्ब जो है ना हमारा ओरिजिनल फॉर्म है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आप इसको कह सकते हैं, इसी से हम बनाते हैं वी वन वी फाइव क्या क्या नहीं बनाते हैं, आप बात समझ रहे हैं, आ रहा है बात समझ में, आ रहा है बात समझ में। अच्छा वीडियो देखने वाले दादाजी 80 साल वाले आपको समझ में आ रहा है, अच्छा बड़ी सुंदर दांत तो नहीं है आपका लेकिन बहुत अच्छा से बता रहे हैं कि वो अभी समझ रहे हैं, तो ये जो बात है बच्चे, ठीक है ये जो बात है वर्ब जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है ओरिजिनल फॉर्म होता है। अच्छा अब बताइए आई है हमारा ठीक है प्लुरल, तो इसके साथ गो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्या गो जाएगा क्या, अच्छा आएगा क्या, आएगा अच्छा अब सुनिए गो के साथ बोलना है हम लोग को सेंटेंस, ठीक है गो के साथ आप भी तैयार हो जाइए, पेन को भी रख दो, पेन को भी रखो रखो पेन को भी रख के अब बोलना है मेरे साथ, ठीक है ऑनलाइन तुमको भी बोलना है, चलिए हम बोलेंगे
ऐसे इशारा करेंगे तो आप इसके साथ गो बोलिएगा। गोज किसके साथ लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और सिंगुलर सब्जेक्ट तो हमने बताया ही है, ही सी और एनी सिंगल नेम, और एनी सिंगल नेम क्या होता है हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो अब हम जैसे इशारा करेंगे, यहीं तो बात है, यहीं पे क्लास को हम क्या करेंगे? वाइंड अप करेंगे। यहीं पे क्लास को क्या करेंगे? वाइंड अप करेंगे। पर इसके पहले हम लोग सीखे क्या है, सीखे क्या है या थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है? बढ़िया से बैठो, बढ़िया सीधा एनर्जेटिक, थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि पावर है तुम्हारे अंदर। युवा का मतलब होता है पावर, युवा का मतलब पावर। दीवार पे सहारा लेकर बैठा हुआ है आप, तुम राजाई में से निकला कि नहीं निकला? निकलो निकलो, चलिए गो की गोज, गोज, वेरी नाइस। गोज की गो, गो, गोज नहीं, गोज नहीं, मतलब आई सिंगलर, दे सिंगलर, सॉरी आई प्लुरल, दे प्लुरल, वी प्लुरल, ही सी सिंगुलर, ही सी। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वह सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वह भी प्लुरल। आ रहा बात समझ में कि नहीं आ रहा? अब ऐड करते हैं, अब ऐड करते हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा ऐड करें क्या मुना भाई, ऐड करें? अच्छा, माई मदर, माई मदर। अब हम गो नहीं करते हैं, अब हम करते हैं एस पी ई ए के, स्पीक करते हैं, स्पीक, और कर देते हैं यहाँ पे एस टी ई ए के एस, स्पीक्स, ठीक है? अच्छा, अब सुनना है, ई एस से रहता है क्या? अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप कोऑपरेट करेंगे। पहले फर्स्ट 10 डेज हम बताया ना, हमने बताया ना कि पढ़ाने नहीं जा रहा है, तो बताइए इशारा करेंगे, आपको बताना है आई के साथ क्या? यू स्पीक से नहीं ना होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? वेरी नाइस, क्योंकि यू जो है हमारा प्लुरल सब्जेक्ट है और वह भी कैसा लेगा? प्लुरल। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब सुनो, हमने कहा माई मदर, क्या कहा? माई मदर, माई मदर, बताओ ये माई मदर के साथ ये सूट करेगा या ये स्पीक्स? क्यों? क्योंकि मेरी माई एक है। योर मदर के साथ बताओ, योर मदर के साथ स्पीक्स? क्यों 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 योर मदर के साथ स्पीक या स्पीक्स? स्पीक्स, स्पीक, स्पीक। क्यों? माँ तुम्हारी एक ही है ना, दो तो नहीं है, तो माँ जब एक ही है तो सिंगुलर हो गई ना, तो सिंगुलर के साथ किसी की माँ एक ही होती है, किसी की माँ एक ही हो। बोल रहा बच्चा, ये ऑनलाइन कोई बोल रहा है मेरी माँ दो, नहीं ऐसा नहीं बोलते बच्चे, ऐसा नहीं बोलते बेटा। तो मतलब माँ, किसी की माँ एक, हर मदर, हिज मदर, डियर मदर, ठीक है? ये सब के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? स्पीक्स, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है? फादर, माई फादर, स्पीक्स, माई फादर, स्पीक्स। बात समझ में आ रहा है? ऑनलाइन आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा अच्छा, तो हम मोटा मोटी यह बताने की कोशिश की है कि सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं की है हमने, सब्जेक्ट की बात किया, सब्जेक्ट की। तो इसमें एक कॉम्बिनेशन हमने देखा, क्या देखा? कॉम्बिनेशन देखा, कॉम्बिनेशन क्या देखा? कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वह भी, सब्जेक्ट आजीवन कैसा रहता है? सिंगुलर। इसको प्लुरल बनाने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, यस यस, और आगे की क्लास में जैसे जैसे क्लास हम लोग आगे लेकर चलेंगे वैसे सारी चीज़ सीखने वाले हैं, कैसे सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं, एक भी चीज़ छोड़ने वाले नहीं। हम किसी एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहे हैं, पर कोई एग्जाम छूटेगा भी नहीं, कोई एग्जाम छूटेगा भी, पहला दिन है, दूसरा दिन है, आखिरी दिन नहीं है, आखिरी दिन नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा वर्ब, क्या कहा? वर्ब हमेशा होता है प्लुरल, इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या ई से लगाते हैं, तब यहाँ से जो है ई सिंगुलर, ई हमेशा सिंगुलर होता है, ई हमेशा प्लुरल, तो लफड़ा जाहिर सी बात है होगी। तो इसके लिए कुछ क्या बोलते हैं, इसके लिए कुछ मतलब कंडीशन होता है, क्या होता है? कंडीशन होता है, इसके लिए कुछ एग्रीमेंट होते हैं, जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से, जो एग्रीमेंट होता है इसमें आगे चलकर, तो इसी को हम लोग पढ़ने वाले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से। हमने किसी टॉपिक की चर्चा करी नहीं, समझ रहे हैं? हमने एक अप्रोच बताया कि इंग्लिश को कैसे पढ़ना है हम लोगों, इंग्लिश ग्रामर को कैसे सीखना है। जैसे जैसे हम लोग क्लास को कंटिन्यू आगे करते रहेंगे, वैसे बहुत सारी चीज़ नए नए चीज़ों को हम लोग टारगेट करेंगे। अब आ जाइए हम लास्ट इस वीडियो के, इस क्लास के अंतिम पड़ाव में। तो इस अंतिम पड़ाव में हम कुछ टास्क देने की काम करेंगे, जिससे आप क्या करेंगे, आप बताइए। यहाँ पे हमने लिखा वॉय, क्या लिखा? वॉय, हमने लिखा
दे, क्या लिखा? दे, हमने लिखा ही, हमने लिखा सी, हमने लिखा यू, और हमने एक वर्ब लिख दिया यहाँ पे एल ए यू जी एच, लाफ। हमने दूसरा वर्ब लिख दिया एल ए यू जी एच एस, लाफ्स, ठीक है। अच्छा, वाई के साथ लाफ सही है? सही है। अच्छा, दे के साथ लाफ सही है? वेरी। आपको बोलना है सबको, यहाँ बैठे हुए सभी बच्चों को, ही के साथ लाफ सही है? सही है, गलत है? क्यों गलत है? ही के साथ क्या सही है? लाभ। सी के साथ क्या सही है? यू के साथ भी सही है? नहीं, यू के साथ सही, यू के साथ लाभ सही है, यू के साथ लाभ सही है। चलिए अब हम बताते हैं, हमने यू का मतलब तुम नहीं सीखा, यू का मतलब तुम नहीं होता, यू का मतलब तुम नहीं होता, यू का मतलब आप भी नहीं होता, यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब ऐसे ऐसे, यू का मतलब यू, यू का मतलब यू, इसका मतलब आई, इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, वेरी नाइस। ऐसे अप्रोच करना है, ऐसे सीखना है अंग्रेजी को। और वीडियो देखने वाले मेरे प्यारे सभी भाइयों बहनों, आपको भी हम एडवाइस ऐसे ही करेंगे कि आप भी ऐसे ही सीखें। हो सकती है कुछ मिसिंग हमसे रही तो माफ़ करें, अगले बार हमने बताया कि हम खुद सीख रहे हैं। लर्निंग इज किसी, कोई, नो बडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। तो आइए कदम हमारे साथ, यदि आप अंग्रेजी को सीखना चाह रहे हैं तो जुड़िए इस सफ़र में, और इस सफ़र को शानदार बनाते हैं हम लोग, आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग इसी कड़ी को, जहाँ से क्लास को हमने वाइंड अप, हम जहाँ से क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं वहीं से क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, और इस कड़ी को आगे। क्या आपको मज़ा आया क्लास करने में? सही बताइए, समझे बढ़िया से? तो हम बता रहे हैं, आगे अभी तो कुछ नहीं पढ़ाया, अभी आप पूछेंगे सर क्या पढ़ाया आपने, तो हम बताएंगे फर्स्ट टेन डेज में हम कुछ भी पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, पर इंग्लिश का एक ओवरऑल इस तरह से आपको एक मतलब भूमिका बनाएंगे, ईबीसी की तरह खिलौना जैसा लगने लगेगा। और ऑनलाइन देखने वाले आप मुझे जरूर, यदि पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके, क्या बोलते हैं, बेल आइकन है उसको हिट कर दें, और घंटा बजा के, और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इंग्लिश के प्रति एक नई क्रांति हम चाहते हैं कि गाँव के बच्चे गांव में अंग्रेजी सीखें, और हमारे आप आसपास से देख रहे हैं और चाहते हैं कि लाइव ऐसे आकर पढ़ें, हमारे साथ जुड़ के पढ़ें, तो आप मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, कंसेप्ट मैथमेटिक्स क्लासेज। और नीचे जो नंबर चल रहा है यहाँ पे, जो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो नंबर चल रहा है इस पर कॉल करें, हमारे ऑफिस को इंक्वायरी नंबर है, आप उस पर कॉल करें, आपको तुरंत उसका सोल्यूशन मिलेगा, जवाब मिलेगा। यदि आसपास के हैं तो आइए हम अंग्रेजी सिखाते हैं। वीडियो को बढ़िया से, ध्यान से, सुंदर तरीका से नोटबुक बनाकर, अच्छा नोटबुक बढ़िया लगाएंगे, तीन कॉपी लगाएंगे बढ़िया बढ़िया, एक पतला कॉपी लगाएंगे और दो मोटा कॉपी लगाएंगे। मोटा कॉपी एक लगाएंगे जो क्लास हम लेते रहेंगे इसके साथ, पतला कॉपी जिसमें वोकैब हम पढ़ाएंगे, अच्छी अच्छी वर्ड्स सिखाएंगे। आप जानते हैं ना कि वर्ड्स, योर वर्ड्स कैन बिकम योर स्ट्रेंथ, आपकी शब्द जो है आपका मजबूती बन सकता है मेरे दोस्त। तो नई वोकैब सिखाएंगे अंग्रेजी की, क्योंकि ऐसी अंग्रेजी बोलेंगे हम लोग, ऐसी अंग्रेजी शब्दों का यूज करना सीखेंगे कि अंग्रेज भी सोचेंगे कि ऐसे वर्ड कहाँ क्रिएट होते हैं, तो हम इंडिया वाले हैं, तो हम क्रिएट करेंगे। और एक ऐसा कॉपी जिसमें आप सुंदर तरीके से फेयर करेंगे इंग्लिश को, और कोई भी एग्जाम आने वाले कुछ दिनों के बाद हमारे इस चैनल पर ऐसे शानदार तरीके से हम अंग्रेजी डिजाइन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि आप पढ़ेंगे तो कुछ दिनों बाद कोई भी एग्जाम देंगे आप नहीं कर सकते हैं, आप ऐसे अंगुली नहीं कर सकते हैं, ऐसे अंगुली नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कंटेंट कोई ऐसा नहीं रहेगा अंग्रेजी का और जो एग्ज़ाम में आए, और इस वीडियो में हम उसकी चर्चा नहीं करें, पर इट विल टेक सम टाइम, इसमें समय लगेगा। तो वीडियो को बढ़िया से ध्यान से सुनने के लिए फिर से एक बार दिल की गहराइयों से आपको नमस्कार, प्रणाम, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।